जय हिंद दोस्तों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का डिफेंस टॉक विद मद में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट पार्ट में कवर की थी आपकी वर्ब के क्वेश्चन, और गाइस आज की वीडियो में भी गाइस हम कुछ वर्ब के क्वेश्चन और वर्ब के जो सेंटेंस में एरर आता है, सेंटेंस में हम एरर कैसे फाइंड करेंगे, तो आज हम बस वही क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपकी कुछ वर्ब के क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद एरर की क्वेश्चन रहेगी। और अगर आपको गाइज लास्ट वीडियो का, अगर आपको जो मैंने लास्ट टेलीग्राम पे जो PDF दी, अगर आपको उसका आंसर चाहिए, तो गाइज मैं वीडियो में आपको आंसर बता दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के बीच में आपको आंसर मिल जाएगा। आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसे आप प्रैक्टिस करके एक बार पहले ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो गाइस चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलिए डायरेक्ट चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे, तो गाइस आज मैं आपको 15 क्वेश्चन और इसमें करवा दूंगा। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा आपकी जो एरर होती है वो आपको मैं करवा दूंगा कि एरर आप कैसे फाइंड कर सकते हो। और गाइज मैंने 144 क्वेश्चन की आपको सेट में ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे चुका हूँ, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं देखा है, वहाँ से जाके नहीं किया, तो गाइज वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पे आपको पूरा PDF मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके एक बार प्रैक्टिस जरूर लगाइएगा। गाइज प्रैक्टिस से ही जो है आपकी जो है वर्ब की जो है आपको पूरी डाउट क्लियर होने वाली है। आप भले ही कितनी भी थ्योरी पढ़ दो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो डाउट आपका क्लियर नहीं होगा। तो आप एक बार जाके प्रैक्टिस से जरूर लगाइएगा। तो आज का जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है वो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द अरेबियन नाइट डैश स्टिल अ ग्रेट फेवरेट बुक, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ ग्रेट का बात हुआ है, अ ग्रेट फेवरेट बुक, तो और जैसे याद है तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। जहाँ भी अ का जिक्र हो जाता है तो समझ लीजिए वो सिंगुलर हो जाता है, सेंटेंस का मीनिंग ही सिंगुलर हो जाता है, तो वहाँ पर वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लगता है, ठीक। तो हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मैथमेटिक्स, मैंने कहा आपको रूस में पढ़ा था कि मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब भले ही देखने में ये सब वर्ड प्लूरल हैं, लेकिन ये प्लूरल नहीं होते हैं, ये जो है आपके सिंगुलर वर्ब ही हमेशा लेते हैं। तो मैथमेटिक्स है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्या है, इज है, ठीक। नेक्स्ट हम लोगों का है पॉलिटिक्स हैज़ चीफ इंटरेस्ट, पॉलिटिक्स डैश हिज चीफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स वॉज हिज चीफ इंटरेस्ट, यहाँ पे हो गया। 34 क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि द कमिटी चूजन देयर चेयरमैन, द कमिटी हैव चूजन देयर चेयरमैन, ठीक है। कमेटी में तो काफ़ी सारे कमेटी है, ये जो कमेटी है ये हम लोगों का प्लूरल हो गया, ठीक है। कमेटी के आधार पे यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा जो हो जाएगा हम लोगों का हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया हम लोगों की, अ 100 किलोमीटर्स डैश अ गुड डिस्टेंस, फिर यहाँ पे अ का जिक्र हो गया, एक का जिक्र जैसे हो गया वहाँ पर समझ लीजिए सिंगुलर वर्ब आएगा इज। वीना एंड नॉट यू वन द प्राइज, वीना के साथ साथ तुमने भी प्राइज नहीं जीता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज। वीना एंड नॉट यू हैज़ वॉन द प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों का है कि मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर इन लॉ डैश हॉट करी लाइक या लाइक्स, तो यहाँ पे एज वेल एज का यूज़ हुआ है। मैंने आपको बताया था कि अगर दो वर्ड ज्वाइन हो रहा हो कंजक्शंस के अलावा, कंजक्शन के साथ ज्वाइन हो तो वहाँ पे वर्ब प्लूरल लगेगा, लेकिन यहाँ पे कंजक्शन के साथ ज्वाइन नहीं हो रहा है, किसी और के साथ ज्वाइन हो रहा, तो यहाँ पे हम लोगों का वर्ब किसके आधार पर लगता है, वर्ब लगता है हम लोगों का ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब लगेगा। अगर कंजक्शन के साथ ज्वाइन हो तो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब लगता था, लेकिन यहाँ पे कंजक्शन नहीं है तो हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो मिस्टर ठाकुर क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब क्या आएगा हम लोगों का, लाइक्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों की, 1000 रुपी अ बिग सम, 1000 रुपीज डैश अ बिग सम, तो 1000 रुपीज के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे इज अ बिग सम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का है कि ईच ऑफ हर रूम्स डैश टू लेट, यहाँ भी इज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का ईच डे एंड ईच आवर डैश इट्स ड्यूटी, तो यहाँ भी सिंगुलर ही आएगा वर्ब, ठीक है, तो ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी। नेक्स्ट हम लोग का है द हॉर्स एंड द कैरेज, द हॉर्स एंड द कैरेज एट द डोर इज एट द डोर, ठीक, द हॉर्स एंड द कैरेज इज एट द डोर होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देख लीजिए, नेक्स्ट हम लोग का है माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर कम टू सी मी डैश कम टू सी मी, यहाँ पर हम लोगों का हैज़ कम टू सी मी, माई फ्रेंड के साथ एक ही की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग बात नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पे इज आएगा, ये आएगा हम लोगों का हैज़ आएगा। नेक्स्ट देख लेते हम लोग कि द हाउस विथ इट्स कॉन्टेंट्स डैश इंज्योर्ड अगेंस्ट फायर, द हाउस विथ इट्स कॉन्टेंट डैश इंज्योर्ड अगेंस्ट फायर, तो वॉज इंज्योर्ड, हाउस के साथ साथ, यहाँ पर अलग चीज़ नहीं हो रहा है, हाउस के साथ साथ उसका जितने भी हाउस में घर में सामान है उन सब इंज्योर्ड है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी आएगा वॉज आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एवरीबडी हैप्पी एट द पिकनिक, एवरीबडी, आप 44 नंबर देखते हो, एवरीबडी वॉज हैप्पी एट द पिकनिक होने वाला है, ठीक है, वहाँ पे हर एक कोई खुश थे, तो वॉज होगा, यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब आएगा वॉज। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश आइदर ऑफ ट्विंस प्रेजेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा इज आइदर ऑफ ट्विन प्रेजेंट्स,
तो गाइज ये तो आपको सिंपल वर्ब की क्वेश्चन है। तो गाइज अब हम जो है देख लेते हैं हमारी जो है एरर की। गाइज इसमें क्वेश्चन काफ़ी सारे, अगर मैं सारा क्वेश्चन करवाऊँगा आपको तो गाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा जितने भी क्वेश्चन हैं, और उसका आंसर मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिखा देता हूँ, तो आप एक बार आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर आप चेक कीजिएगा गाइज। तो मैं आपको एक बार आंसर दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये आपकी जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक के आंसर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपको बाकी के क्वेश्चंस का भी मैं आंसर दे दूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के बीच में मैं बाकी 75 से लेके 144 तक की भी जो आंसर है वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये आपकी, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपना मैच कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो चलिए हम अब एरर में चलते हैं, देख लेते हैं कि हम वर्ब की एरर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो क्वेश्चन इसी तरह के आपको एरर देती है, ठीक है। इसी तरह से आपकी एरर आती है, वर्ब की एरर इसी तरह से रहेगी, सेंटेंस रहेगी, उसमें आपको फाइंड करना है कि किस पार्ट में वहाँ पे एरर है। तो ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पढ़ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मिस्टर मिश्रा विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वेयर प्रेजेंट एट द स्टेशन। इसमें क्या नो एरर होगा या फिर इन सब में से किसी में एरर है, इसमें एरर है, इसमें एरर है, इसमें या फिर इसमें एरर है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट किया होगा कि विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन का यूज़ हुआ है, ठीक। तो इसके आधार पर हम लोगों का क्या होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा हम लोग का उसके आधार पे हम वर्ब लगाएंगे। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, मिस्टर मिश्रा, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके आधार पे हम लोग का वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है वेयर, तो यहाँ पे वेयर नहीं होके वॉज होगा। तो एरर हम लोग का किस पार्ट में, इस पार्ट में, फोर्थ पार्ट में हम लोग का एरर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ अप्लाइड फॉर द जॉब इन इंडियन इन द नेवी, ठीक है, नो एरर, या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ अप्लाइड फॉर द जॉब्स, कहाँ पर होगा एरर आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा एरर आपका, हो जाएगा सेकंड पार्ट में, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ जब भी आ रहा तो वो मतलब कि वो एक प्लूरल वर्ब कैरी कर रहा है, ठीक है। तो उसके आधार पे अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद एक प्लूरल यहाँ पे कैरी हुआ है, प्लूरल नाउन जो कि स्टूडेंट्स है, तो उसके आधार पर हम लोग का आना चाहिए यहाँ पे वर्ब, जो हम लोग का प्लूरल वर्ब आना चाहिए, हैव आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन दिया गया हैज़, तो एरर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड पार्ट में, एरर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि द डॉग अलॉन्ग विद द बॉयज़ वेयर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। फिर यहाँ पे अलॉन्ग विद का जिक्र हुआ है, रूल मैंने आप लोग कह रहा था ये थर्ड रूल होगा आपका या फिर फोर्थ रूल होगा, तो इसमें अलॉन्ग विथ विथ ये सब आ रहा था, तो वहाँ पे हम लोग एज वेल एज ये सब यूज़ हो रहा था, तो हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट के आधार पे वर्ब लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम लोग का द डॉग है, उसके आधार पे हम लोग का वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, लेकिन यहाँ पर दिया गया है प्लूरल वर्ब, तो ये एरर आपका यहाँ पे थर्ड पार्ट में एरर है, यहाँ पे होना चाहिए वॉज ना कि वेयर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो गाइज आपको कभी कभी जो है आप एरर ही फाइंड करते रहते हो, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में जो है आपको एरर नहीं दिया रहता है, ठीक है। किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट लिखा रहता है, वहाँ पर एरर नहीं रहता है, लेकिन आप एरर फाइंड करने के चक्कर में आप उस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ एक, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर आपको आप एरर फाइंड करोगे, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि वर्षा इज़ द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स हु मेक कैसल्स इन द एयर, तो इसमें आपको आप एरर फाइंड करोगे कि वर्षा इज़ द ओनली गर्ल, ओनली आया है तो हम लोगों का, ठीक है। आप देखते हो ओनली, मैंने आपको बताया था कि अगर ओनली आ रहा किसी भी सेंटेंस में तो वो सिंगुलर मीनिंग कर जाएगा, तो उसके आधार पे वर्ब सिंगुलर, ठीक है, ये एकदम बिल्कुल सही लगा हुआ है, वर्ब सिंगुलर ही लगा हुआ है, तो इसमें क्या होगा हम लोग का, नो एरर होगा, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग क्या था कि बैड न्यूज़ ऑलवेज ट्रैवल फास्ट, ठीक है, बैड न्यूज़ ऑलवेज ट्रैवल फास्ट। बैड न्यूज़, न्यूज़ है, मैथमेटिक्स है, ये सब वर्ड हम लोग का क्या होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो बैड न्यूज़ ये हम लोग का सिंगुलर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जा रहा, तो उसके आधार पे हम लोग का वर्ब भी जो आना चाहिए वो सिंगुलर ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, ट्रैवल, जो कि आपका प्लूरल वर्ब है, तो ये आपका एरर मिल गया आपको थर्ड पार्ट में, यहाँ पे एरर है, तो हम लोग का यहाँ पे ट्रैवल्स होना चाहिए ना कि ट्रैवल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, गुड़िया नोटिस दैट द गैंग ऑफ डेकोइस वेयर कमिंग टू अटैक माई हाउस। गुड़िया नोटिस दैट द अ गैंग ऑफ, तो आप लोग सोच रहे हो कि गैंग ऑफ दिया गया है ये तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे गैंग ऑफ से पहले ए का यूज़ हुआ है, ठीक है, अ का जैसे यूज़ हुआ मतलब ये क्या हो गया हम लोगों का, ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया अब, तो इसके आधार पे हम लोग का वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया गया है वेयर, दैट इज़ हम लोग का एरर जो है थर्ड पार्ट में, वेयर की जगह हम लोग का होगा वॉज होगा, ठीक। तो एरर हम लोग को ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 7 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का क्या है, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज़ एबसेंट टूडे। इसमें क्या नो एरर होगा या फिर एरर होगा, तो दी अकाउंटेंट एंड दी कैशियर, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि द अकाउंटेंट एंड कैशियर नहीं लिखा गया है, एंड कैशियर अगर लिखा गया तो एक ही आपकी एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात होता, लेकिन यहाँ पे एंड द हो गया, तो द जैसे ही आ गया एंड के बाद ये अलग चीज़ के बारे में बात कर रहा कि अकाउंटेंट आपका अलग है, कैशियर आपका अलग है, दोनों अलग अलग पर्सन है, तो जब दोनों एबसेंट है तो यहाँ पे हम लोग का वर्ब क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, लेकिन दिया गया हम लोग का इज़, जो कि एरर है, तो यहाँ पे इसके जगह हम लोगों का होगा आर।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मेनी ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर वाज इजी. तो यहाँ पे मेनी ऑफ का यूज़ हुआ है, द क्वेश्चंस, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, आपको ऐसे पता चलो कि क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर होता है एक सेट, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्या है, हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो उसके आधार पे हम लोग का वर्ब क्या आना चाहिए, प्लूरल, लेकिन दिया गया हम लोग को सिंगुलर, तो एरर क्या होगी, हम लोग का वाज में एरर हो गया, यहाँ पे वाज की जगह होगा वेयर होना चाहिए. नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर. तो आप यहाँ पे देखते हो कि यहाँ पे क्या लिखा गया कि इफ आई वॉज यू, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरर ऐसे ही दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है दो की बात हो रही है ना, आई वॉज, तो आई वॉज नहीं होगा यहाँ पे, वॉज की जगह वेयर हो जाएगा, तो आपका एरर फर्स्ट पार्ट में है. तो गाइज आपको मैं और आपको जो कल की आंसर थी वो भी मैं पहले आपको आंसर दिखा देता हूँ, फिर हम वीडियो को कैरी आउट और भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे. तो मैं पहले आपको आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप एक बार फिर से आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. तो फ्रेंड्स ये आपकी बाकी 75 के आगे, 75 क्वेश्चन नंबर के आगे आपके 144 तक के आंसर हैं. तो आप इन आंसर का स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लीजिए और आपने जो आंसर सॉल्व किया होगा उससे आप मैच कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुई है. ठीक है, तो हम चलते हैं फिर से आपकी एरर फाइंडिंग में. तो जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं कि द मेजोरिटी ऑफ लेबर्स इज डिमांडिंग एंड इंक्रीज इन वेजेस. तो द मेजोरिटी ऑफ द लेबर्स, यहाँ पे क्या गया है, बोला गया है द मेजोरिटी ऑफ द लेबर्स, ठीक है, तो आपको ये प्लूरल नज़र आ रहा होगा, प्लूरल के बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग का दिया गया है सिंगुलर वर्ब, तो हम लोग का इज के जगह हो जाएगा आर, तो एरर हम लोग का सेकंड पार्ट में हम लोग का यहाँ पे एरर है. ठीक है, तो नेक्स्ट देख सकते हो कि आई एम श्योर दैट नेदर ऑफ द हाउस नॉर इट्स कॉम्पोनेंट्स आर फॉर सेल. आई एम श्योर दैट नेदर एंड नेदर और नॉर दो कंजक्शन के साथ ज्वाइन हुआ है, तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, नियरेस्ट सब्जेक्ट जो हम लोग का है उसके आधार पे हम वर्ब लगाएंगे. तो नियरेस्ट सब्जेक्ट हम लोग का हो गया कॉन्टेंट्स, कॉन्टेंट्स हम लोग का क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो हम लोग का यहाँ पे भी ए प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम लोग का वर्ब क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पे प्लूरल ही दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग का ये हो जाएगा फिफ्थ पार्ट, नो एरर. ठीक है, 12 नंबर में हम लोगों को एरर नहीं है. ठीक है, 12 नंबर में हम लोगों को एरर नहीं है. हम लोग देख लेते हैं 13 नंबर में क्या लिखा गया है कि द हिंदी एंड द मराठी आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज विच वेयर वंस स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया. तो द हिंदी एंड द मराठी, ये तो आपको प्लूरल नज़र आ रहा, लेकिन इसके आधार पे यहाँ पे वर्ब नहीं लगेगा, क्योंकि विच से पहले आप देखते हो एक की बात हुई है, संस्कृत लैंग्वेज किसी एक की बात हुई है, तो यहाँ पे वर्ब हम लोगों का क्या लगेगा, इसके आधार पे लगने वाला है, तो इसके आधार पे वर्ब हम लोगों का क्या आएगा, वाज आएगा, ना कि वेयर आएगा. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोगों का है आपका टू थर्ड ऑफ द बुक वेयर रबिस. तो टू थर्ड ऑफ द बुक, एक बुक की बात की गई है, तो यहाँ पे वेयर की जगह हो जाएगा वाज रबिस. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रस्ट्रेटेड बोला गया है, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स इज फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का इज का यूज होगा, ना कि आर का यूज होगा. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में क्या है, बोला गया है नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब. यहाँ पे बोला गया है कि नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग, यहाँ भी हम लोग का आर नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा इज हो जाएगा. नेक्स्ट हम देख लेते हैं अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वॉन्ट टू विजिट अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड. यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्रेंड, एक ग्रुप की बात की गई है, तो यहाँ पे हम लोग का वर्ब प्लूरल नहीं आएगा, हम लोग का वर्ब भी आएगा सिंगुलर, ही हो जाएगा वॉन्ट्स. नेक्स्ट देखते हैं कि द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर वॉज, यहाँ पे एरर मिल गया आप लोग को, वॉज नहीं होगा यहाँ पे, वेयर हो जाएगा, क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर, दो मिनिस्टर अलग अलग की बात की गई है, एंड द बोला गया, एंड प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला गया है, तो यहाँ पे वॉज की जगह वेयर हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं कि ट्वाइस 12 आर 24, ट्वाइस 12, फिर यहाँ पे एक एक ज्वाइन करके बना, तो यहाँ पे इज 24 हो जाएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ सीरीज ऑफ लेक्चर ऑफ इंडियन फिलोसफी आर अरेंज्ड बाय द यूनिवर्सिटी. तो अ सीरीज ऑफ बोला गया है यहाँ पे, एक सीरीज की बात की गई है. ठीक है, मैंने आपको पहले बताया अ यूज जहाँ हो गया समझ लीजिए वो सिंगुलर हो गया. ठीक है, एक तरह से आप याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि एक यूज जहाँ हो गया, ए ओनली ये सब यूज हो गया, तो वो सिंगुलर हो जाएगा, तो उसके आधार पे हम लोग का वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, तो उसके आधार पे हम लोग का वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए. जो वर्ब हम लोग का सिंगुलर क्या है, आर के जगह हम लोग का हो जाएगा इज, तो यहाँ पे एरर हम लोगों को मिल गया, आर के जगह होगा हम लोग का इज. नेक्स्ट हम लोग का है कि द हाउस विथ ऑल इट्स फर्नीचर आर एग्जॉटिक प्लांट एंड एग्जॉटिक प्लांट्स वेयर सोल्ड फॉर रुपीज 60,000. यहाँ पे द हाउस विथ ऑल इट्स फर्नीचर एंड एग्जॉटिक प्लांट, ठीक है,
विथ ऑल यूज़ हुआ है, तो विथ ऑल मैंने आपको बताया था, विथ वाले क्वेश्चन आपको केस में क्या करना है, तो विथ वाले केस में आपको सबसे फर्स्ट जो हम लोग का फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके आधार पे हम वर्ब लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट द हाउस है, द हाउस के आधार पे यहाँ पे वॉज नहीं आए, वेयर नहीं आएगा, यहाँ पे हम लोग का आएगा वॉज आएगा, तो एरर हम लोग का इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको द टीचर आस्क द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम वेयर इंटरेस्टेड, द टीचर आस्क द स्टूडेंट इफ एवरी वन कहाँ गया, द एवरी वन ऑफ देम वेयर इंटरेस्टेड इन गोइंग ऑन एन एक्सक्रूशन, तो यहाँ पे हम लोग एरर कहाँ पे है, एरर आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे एवरी वन ऑफ देम के बाद वेयर यूज़ किया गया है, नहीं होगा यहाँ पे वेयर, यहाँ पे वॉज का यूज़ होगा, ठीक है, तो एरर हम लोग का इस पार्ट में, हम लोग का थर्ड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द प्लेस टुमारो, सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड, ठीक है, यहाँ पे आर एक्सेप्टेड सेवरल विजिटर्स लिखा गया है, ठीक है, ये हम लोग का प्लूरल है, उसके आधार पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है, टू विजिट द प्लेस टुमारो, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये हम लोग का सेंटेंस पूरा करेक्ट है। तो हम लोग का लास्ट दो क्वेश्चन है वो देख सकते, लास्ट दो क्वेश्चन हम लोग का क्या है, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि मेनी अ प्रोफाउंड थिंकर बिलीव्स दैट द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन हैज़ नॉट कोइंसिडेड विथ रियल ह्यूमन प्रोग्रेस, तो मेनी अ का यूज़ हुआ, ये सिंगुलर हो गया, मतलब पूरा मीनिंग हम लोग का सिंगुलर हो जा रहा है, मैंने पहले बताया था ए, ए आपको याद करके रखना अच्छे तरीके से, तो ए मतलब ये पूरा सिंगुलर है, ठीक है, आप देखते हैं, हम देखते हैं कि वर्ब यहाँ पे सिंगुलर यूज़ हुआ है कि नहीं, वर्ब भी हम लोग का सिंगुलर यूज़ हुआ है और कहीं आपको वर्ब नजर आ रहा है, नहीं, तो ये हम लोग का ये हो जाएगा नो एरर, पूरा सेंटेंस हम लोग का करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज़ प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बैक्टीरिया इज़, आपको ये सुनने में तो ये बैक्टीरिया सिंगुलर लग रहा होगा लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये हम लोग का प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल के आधार पे हम लोग का वर्ब भी क्या आना चाहिए, प्लूरल ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया गया है वर्ब इज़, तो एरर हम लोग को मिल गया, यहाँ पे इज़ की जगह आर होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी वर्ब की एरर की क्वेश्चन, तो आई होप आपको वर्ब का एरर भी अब आपका क्लियर हो गया होगा, तो अगर गाइस अभी भी आपको डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूँगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं अगले एक और नए क्लास में, तो गाइस अगला क्लास आपका आर्टिकल का आने वाला है, गाइस मुझे एक आपके आप जैसे फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि आप पहले टेंस की करवाओ उसके बाद आर्टिकल करो, तो गाइस मैं टेंस भी करवाऊंगा, टेंस की वीडियो आपकी जो है आर्टिकल के बाद आएगी, गाइस आपकी आर्टिकल एक वीडियो में कवर हो जाएगी, आर्टिकल कवर होने के बाद हम टेंस कवर करेंगे, तो आपका वर्ब पूरा क्लियर हो चुका है, वर्ब का पूरा सेट आ चुका है, पूरा कंप्लीट वर्ब आपका क्लियर हो चुका है इस वीडियो में, तो अब इसके बाद अब हम अगली वीडियो में आर्टिकल कवर करेंगे, आर्टिकल होने के बाद हम लोगों का आर्टिकल की चैप्टर होने के बाद आर्टिकल का वीडियो आ जाएगा, एक वीडियो में आर्टिकल भी कवर हो जाएगा, उसके बाद हम टेंस शुरू करेंगे, टेंस की आपको गाइस लंबी जाने वाली, इसलिए मैं टेंस शुरू नहीं करूँगा क्योंकि टेंस की वीडियो आपको बहुत ही लंबी जाएगी, टेंस की आपकी 4-5 पार्ट लग जाएगी, इसलिए मैं आपको पहले आर्टिकल करवाता हूँ जो कि आपके शॉर्ट में निकल जाएगी, ठीक है, तो आर्टिकल के बाद हम टेंस भी करेंगे, तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में आर्टिकल की क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय टाटा।